कांगड़ा जिले के बैजनाथ क्षेत्र से संबंध रखने वाले जनक राज शर्मा उर्फ बब्बी मान ने खास बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव पल साझा किए। उन्होंने बताया कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें गायकी का शौक उत्पन्न हो गया था। उन्होंने प्राइमरी कक्षा से ही अपने जीवन में गायकी में कदम रख दिया था। स्कूल में भी उनके गानों को बहुत सम्मान मिलता था। कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र से संबंध रखने वाले जनक राज शर्मा उर्फ बब्बी मान से खास बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव और पल साझा किए। उन्होंने बताया कि बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्हें गायकी का शौक उत्पन्न हो गया था। उन्होंने प्राइमरी कक्षा से ही अपने जीवन में गायकी में कदम रख दिया था। स्कूल में उनके गानों को बहुत ही सम्मान मिलता था। स्कूल में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें उन्हें गाने का मौका ना मिलता हो। उसके बाद उन्होंने संगीत को ही अपना करियर बना लिया और जिला अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कोई भी प्रोग्राम हो वहां उन्होंने अपने सुरों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है, जिसके लिए उन्हें जिला और राज्य स्तरीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में उन्हें बेस्ट सिंगर अवार्ड जो कि एकता कला मंच ने मनाली में उन्हें राज्य स्तरीय शान से भारत बेस्ट सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया, जो पूरे बैजनाथ क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। बब्बी मान ने बताया कि उन्होंने शगना दे कलीरे एक एल्बम लोगों को समर्पित की है जिसको लोगों ने खूब सराहा है। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि लोगों के प्यार और आशीर्वाद से उन्होंने अपनी एक और एल्बम डीजे बजदा को मार्केट में उतारा है। उन्होंने बताया कि ये एल्बम लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसको भी लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। इस एल्बम को डायरेक्टर डीआर सीरीज, वीडियो डायरेक्टर सपना शर्मा, डोप सुनील कोरी, मेल मॉडल अंकुश शर्मा, सपना शर्मा, मुनीशा, तोशी कपूर, शिवा आदि के सहयोग से तैयार किया गया है। इस एल्बम में हिमाचल की टॉप 5 मॉडल ने काम किया है। इस एल्बम को बैजनाथ के मशहूर म्यूजिक जैक मल्हार स्टूडियो द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने इससे पहले भी न जाने कितनी एल्बमों को अपने कैमरे में कैद किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया है कि नशे की बुरी आदतों को छोड़कर किसी अच्छे क्षेत्र में अपना करियर बनाएं ताकि आने वाला जीवन खुशहालमय हो सके। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि बेटी और बेटों को उच्च शिक्षा प्रदान करें तथा बेटी और बेटों को एक समान समझें और उन्हें अच्छे संस्कार पैदा करें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।